हेलो हेलो। हाँ, सभी को नमस्कार। राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे सभी प्यारे साथी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोग कंप्यूटर में विगत पिछले कई समय से क्लासें ले रहे हैं, जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग आउटपुट डिवाइसेस को जानेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, क्या क्या कंडीशंस रहेगी। जैसे कि हमने इनपुट डिवाइसेस में देखा था, माउस था, कीबोर्ड था, माउस था, और हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी। टच पैड पढ़ा, कीबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आज आउटपुट डिवाइसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो एक एक करके विधिवत रूप से समझते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, किस काम आएंगी। देखिए देखिए, प्रोसेस्ड हुए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। भाई देखिए, प्रोसेसर के द्वारा, देखिए इनपुट के रूप में कोई डेटा आया, इनपुट डिवाइस से इनपुट के रूप में कोई डेटा आया, उस पर फिर होती है आपकी प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद में जो डेटा प्राप्त होता है वो क्या होता है? आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो सूचनाएं कंप्यूटर के द्वारा यूजर को दी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। कहने का मतलब, देखो आउटपुट में आपका परिणाम हो सकता है, किसी प्रकार की कोई व्याख्या हो सकती है, ये सारी चीज आपको किस में मिलेंगी? आउटपुट के रूप में मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है? आउटपुट। कि जो डेटा आपने पहले इनपुट किया उस पर प्रोसेसिंग होगी। अब ये प्रोसेसिंग का वर्क कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। सीपीयू बोले तो आपका देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। क्या कहते हैं हम उसे हिंदी में? केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सभी आउटपुट डिवाइस किस किस प्रकार की होती हैं? आपकी हार्डवेयर होती हैं। अब आउटपुट आपका दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से आउटपुट मिलेगा आपको। दो प्रकार से आउटपुट क्या होता है? आपको मिलता है। अब आप कहेंगे सर दो प्रकार से कैसे कैसे मिलता है? तो देखो दोनों प्रकार से बताते हैं। एक तो मिलता है आपको, देखो सॉफ्ट कॉपी हार्ड को, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और एक दूसरा मिलता है आपको हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होता है जो आपको किसी विजुअल के रूप में दिखता है, किसी पिक्चर के रूप में दिखता है, किसी स्लाइड के रूप में दिखता है, जिसे हम केवल देख सकते हैं। तो देखो सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट है ना, इसे केवल देखा जा सकता है, इसे केवल देखा जा सकता है। और दूसरा, इसे देखने के साथ छुआ भी जा सकता है। मतलब इसे हम देख भी सकते हैं और इसको हम छू के महसूस भी कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में जैसे आपको देखो प्रिंट आउट निकाल लिया आपने, तो वो एक प्रकार से आउटपुट है आपके हाथ में। अब हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या होता है कि जैसे आप देख भी सकते हो, छू छू भी सकते हो, ये क्या कहलाएगा? आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, एक हो गया आपका देखो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हो गया आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, अगला देखिए, ऐसे उपकरण जो
प्रोसेस के बाद रिजल्ट देते हैं भाई, ऐसे उपकरण जो प्रोसेस करने के बाद क्या प्रदान करते हैं आपको, रिजल्ट प्रदान करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाती हैं आपकी, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं भाई। जो भी प्रोसेसिंग हुई उसके बाद में आप तक जो रिजल्ट आया, यार ये धूल कैसे आ रही है आज, गेट बंद करके आओ। ठीक है भाई, कहने का मतलब है प्रोसेसिंग के बाद में, प्रोसेसिंग के बाद में आपको कोई डेटा मिलेगा, तो वो डेटा आपको मिलेगा कहां से, आउटपुट डिवाइस के जरिए, किसके जरिए, आउटपुट डिवाइस के जरिए, आउटपुट डिवाइस के जरिए वो डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये युक्तियां जीरो और वन बिट की कंप्यूटर भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित कर परिणाम प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब है कि जो इनपुट आता है, पहले ही बताया था हमने, इनपुट जो आता है वो आपका मानवीय भाषा में आता है, किस लैंग्वेज में आता है, मानवीय भाषा में आता है पहली बात, और जो इनपुट आपका मानवीय भाषा में आता है इसे ये इनपुट डिवाइस क्या करती है, मशीनी भाषा में बदलती है, किसमें, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करती है, पहला काम तो यही है। और जैसे ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट होता है तो ये किसके लिए चला जाता है, प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और जैसे ही हम लोग प्रोसेसिंग होने के बाद में वापस हमें जो मिलता है वो भी कैसा होता है, मतलब आउटपुट डिवाइस तक होता है, वो होता है आपका मशीनी भाषा में, फिर इस मशीनी भाषा को आउटपुट डिवाइस के द्वारा, इस आउटपुट डिवाइस के द्वारा इसको फिर किसमें बदला जाता है आपका, मानवीय भाषा में बदल दिया जाता है। और जैसे ही आप इसे ह्यूमन लैंग्वेज में बदलेंगे तो वापस से ये कैसा हो जाएगा, व्यक्ति के पढ़ने लायक। कहने का मतलब यहां जो था ये व्यक्ति के पढ़ने के लायक था, उसके समझने के लायक था, इसने ये इसको इनपुट डिवाइस को दिया तो इनपुट डिवाइस ने इसको बदला मशीन लैंग्वेज में, फिर इसने किसको भेजा, प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेसिंग के लिए किसके पास पहुंचता है ये, सीपीयू के पास में, ठीक है। और प्रोसेसिंग होने के बाद वो मशीनी लैंग्वेज, फिर आउटपुट डिवाइस उसे किसमें बदलती है, मानवीय भाषा में। वो यही कह रहा है कि युक्तियां जीरो व वन बिट की कंप्यूटर भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित कर परिणाम देता है। को जीरो वन की स्थिति जो थी वो तो थी आपकी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके किसमें अनुवादित किया आपका, मानवीय भाषा में, जिसमें वो व्यक्ति समझ सके, और उस भाषा में क्या मिल जाता है आपको, परिणाम मिल जाता है, और यही क्या कहलाता है आपका, आउटपुट कहलाता है भाई। जो परिणाम प्राप्त होता है वही तो आउटपुट होता है, यही कहना चाह रहा है ये बार बार, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर में आउटपुट कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। अब देखो हार्ड कॉपी आउटपुट में देखो, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, फ्लैक्सी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है आपके, हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। प्रिंटर में जो चीज आपको निकल के मिलेगी वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा, प्लॉटर में जो मिलेगा वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा, फ्लैक्सी में मिलेगा वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा, और प्रोजेक्टर में जो दिखेगा वो भी क्या कहलाएगा आपका, हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। देखिए अब सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो देखो सॉफ्ट कॉपी आपको मॉनिटर में दिखती है, एलसीडी में दिखती है, एलसीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, और एलईडी लाइट इमिटेड डायोड, लाइट इमिटेड डायोड, और स्पीकर। देखो स्पीकर क्या होता है आपका, ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है, एलईडी एलसीडी या मॉनिटर ये चलचित्र के रूप में देते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो देखो इन तीनों से जो मिलेगा वो तो मिलेगा आपका चलचित्र आउटपुट, जिसे कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है श्रव्य दृश्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑडियो विजुअल, कि भाई आवाज तो सुनाई देती है उसके साथ साथ क्या दिखाई देता है हमें, वीडियो। लेकिन स्पीकर कैसा होता है, केवल आपका
साउंड के रूप में होता है, केवल ध्वनि के रूप में होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्ट कॉपी हो गए। और पीछे देखो, प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ, फ्लेक्सी हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, इन सब से हमें जो मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? आपका हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगा। ठीक है, देखिए बताएंगे, सब आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फ्लेक्सी होता क्या है अभी मैं तुमको समझाऊंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैसा होता है, जिसमें सामने दिखेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, देखो ऐसा होता है भाई। देखो जो चीज नहीं देखी होती है उसके लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए, लेकिन वेट भी करना चाहिए, सही है ना। जैसे देखिए, हार्ड कॉपी वह परिणाम जो मॉनिटर पर प्रदर्शित परिणामों को प्रिंट अथवा प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। यह परिणामों की स्थायी कॉपी होती है। कैसी होती है ये परिणामों की? आपकी स्थायी कॉपी होती है। ओके, आगे देखिए, सॉफ्ट कॉपी जिस परिणाम को स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा ध्वनि के रूप में सुना जा सके वह सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को मेमोरी में, सीडी में, पेन ड्राइव में, डीवीडी में, फ्लॉपी डिस्क में संग्रहित किया जा सकता है, और यह क्या है आपका? अस्थाई आउटपुट होता है। जैसे कि देखिए, मानिए अभी आपने टीवी चालू की, टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा है, स्थाई थोड़ी होता है, टाइम खत्म हो जाएगा उसका, आउटपुट खत्म। जैसे कि अभी ये क्लास चल रही है, दो घंटे चलेगी, क्लास खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका स्थाई और अस्थाई दिखे। अब देखो, स्थाई कैसा होता है आपका? हार्ड कॉपी वाला। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास उसकी हार्ड कॉपी है, आप जी मर्जी चाहे तब उसका आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अस्थाई के रूप में, तो देखो जितने भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं वो सब स्थाई अस्थाई होते हैं आपके। जितने भी आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके अस्थाई होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड समय के लिए होते हैं, लिमिटेड समय के लिए होता है। जैसे कि मान लिया कोई पेन ड्राइव में कोई आपका कोई वीडियो पड़ी हुई है, पेन ड्राइव में है, पेन ड्राइव को जितने देर सिस्टम में लगाएंगे सिस्टम चलेगा उतनी देर तो तुमको दिखेगा। स्थाई का मतलब होता है परमानेंट, अस्थाई का मतलब होता है जितनी देर आप देख सको, उसके बाद नहीं देखो तो नहीं देखो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है टेम्परेरी, स्थाई का मतलब होता है आपका परमानेंट। आगे देखिए, अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में देखो, सबसे पहला आपका प्रिंटर आ गया। ठीक है, अब प्रिंटर जो है ना, ये बहुत प्रकार का होता है। सीखने की चीज तो यही है, यहां जो सीखने को मिलेगा वो यही मिलेगा। अब देखिए, ये कैसी डिवाइस है आपकी? आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा समझिए। देखिए, यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंटर की गति पीपीएम में मापी जाती है, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट के रूप में मापी जाती है। तो देखो, एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो पीपीएम में मापा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है, जो एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, जिसे हम लोग डीपीआई कहते हैं, डॉट पर इंच। क्या कहते हैं हम लोग उसे? डीपीआई कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रिंटर में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका रिजोल्यूशन। प्रिंटर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका रिजोल्यूशन। तो प्रिंटर में रिजोल्यूशन की जब भी बात आती है, तो रिजोल्यूशन का मतलब है वो उसके क्षेत्र को जान रहा है कि कितनी इसकी जूमिंग है, कितना क्या चीजें हैं, कैसा प्रिंट निकलेगा। तो जो रिजोल्यूशन सेट होता है वो डीपीआई में सेट होता है हमेशा, और रिजोल्यूशन को हमेशा हाई रखा जाता है यदि प्रिंटर से ली गई प्रिंट को
स्थाई रखना हो तो, अगर प्रिंटर से ली गई प्रिंट को आप स्थाई रखना चाहते हो, जो नॉर्मल से नॉर्मल पीडीएफ आपकी 200 डीपीआई पे बनती है, जो पीडीएफ हम लोग देखते हैं टेलीग्राम पर मिलती है, व्हाट्सएप पर आती है, बहुत सारी कोचिंग वाले डाल के रखते हैं, वो होती है 200 डीपीआई पर। जब इसी प्रिंट की आप लोग क्या करना चाहते हो, बुक बनाते हो, तो बुक हमेशा कितने प्रिंट पर बनती है आपकी, लगभग 600 डीपीआई पे बनती है। कम से कम 600 डीपीआई लेना पड़ता है तब जाके बुक की पीडीएफ बनती है। तो देखा होगा आपने कि बुक की प्रिंट में, आपकी फोटोकॉपी वाली प्रिंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। फोटोकॉपी वाली जो इंक होती है वो स्थाई होती है, अस्थाई होती है, और बुक पर जो इंक लगाई जाती है वो स्थाई होती है। आपने देखा होगा बुक को आप 50 बार पलट लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोटोकॉपी का अगर डेटा है आपके पास में, उसको आपने 10-20 बार इधर उधर पलटा, वो वहां से मिटने लग जाते हैं अक्षर। और किताब को आप 1000 बार पलटते हो, किताब के अक्षर पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इन्हीं के बारे में हमको जानना है ढंग से कि भाई इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, इंपैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, नॉन इंपैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए इंपैक्ट प्रिंटर में देखिए कौन कौन सा आता है आपका। नंबर एक कैरेक्टर प्रिंटर आता है, देखो कैरेक्टर से ही पता चल रहा है अक्षर प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है और डेजी बिहल प्रिंटर आता है। तो ये तीनों जो हैं ये किसके पार्ट हैं आपके, इंपैक्ट प्रिंटर के। कौन कौन से, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक और देखिए सीपी, ये हो गया आपका डीएमपी, कई बार आए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में डीएमपी और डीडब्ल्यूपी। तो देखो नाम से ही पता चलेगा आपको इनके से, ये हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, ये आपका डॉट मैट्रिक और ये आपका डेजी व्हील। एम लगा हुआ है तो मैट्रिक और डब्ल्यू लगा हुआ है तो व्हील वाला, ठीक है याद रखना है आपको। अगला देखिए, अब आता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात आती है। तो देखो नॉन इंपैक्ट में आपका देखो लाइन प्रिंटर आता है, पेज प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है, बैंड प्रिंटर आता है, ड्रम प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है और थर्मल प्रिंटर आता है। ये सब कौन से हैं आपके, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के पार्ट हैं। किसके, ठीक है। अब देखो प्रिंट की क्षमता के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर, भाई अगर प्रिंट की क्षमता के आधार पर देखें तो ये तीन प्रकार के प्रिंटर होते हैं। प्रिंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर हम प्रिंटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जाने कि जो प्रिंट की कैपेसिटी कैसी आती है, तो उसमें देखो कैरेक्टर प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर आता है और पेज प्रिंटर आता है। अब देखो समझो बात को, पहले एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि देखो कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें तो देखिए यह एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर कौन सा आपका, लाइन प्रिंटर, यह एक एक लाइन को प्रिंट करता है, और फिर आता है आपका देखो पेज प्रिंटर, यह संपूर्ण पेज को प्रिंट करता है, संपूर्ण पेज को प्रिंट करता है। समझे आप बात को, भाई देखो नाम से ही पता चला कैरेक्टर का मतलब एक अक्षर, लाइन का मतलब एक पूरी लाइन और पेज का मतलब एक पूरा पेज। ये किस तरह से, प्रिंट की क्षमता के अनुसार। भाई आपको एक एक अक्षर की प्रिंट बहुत धांसू चाहिए तो आप किसको, कैरेक्टर प्रिंटर को यूज करिए। अगर आपको लाइन बाई लाइन एकदम शानदार प्रिंट चाहिए तो आप लाइन प्रिंटर को यूज करिए। आपको पूरा पेज ही बढ़िया चाहिए तो पेज प्रिंटर का प्रयोग करिए। आगे देखो क्या कह रहा है, प्रिंट करने के आधार पर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट।
अब देखिए प्रिंट की क्षमता के आधार पर तो हो गए कैरेक्टर लाइन और पेज, और प्रिंट करने के आधार पर हो गए आपके इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। देखिए इंपैक्ट प्रिंटर, अब पता तो चलनी चाहिए कि इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है। भाई हम लोग जो बार बार नाम ले रहे हैं इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट, ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट होते क्या है? असली बात तो ये है कि इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट होते क्या है वो जानने हैं हमको। तो देखो ऐसे प्रिंटर जो पेज प्रिंट हेड के टकराव से प्रिंट करते हैं, जो पेज को प्रिंट हेड के टकराव से पेज करते हैं, अर्थात प्रिंट करते समय आवाज करते हैं, जो टाइपराइटर की तरह होते हैं। आपने देखा होगा कचहरी में जो टाइपिस्ट होता है टाइपराइटर, वो खट 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 करता है तो वो एकदम आवाज आती है, और वो अक्षर को जोर से दाब के मारता है उस पर तो आवाज आती है। फिर आपने देखा होगा जैसे ही लाइन खत्म होती है फिर उसको स्क्रॉल करता है, फिर वापस इधर खिसकाता है, फिर चालू, फिर इधर आ जाएगा, फिर से फिर उसको खिसकाएगा, वापस इधर आएगा, तो वो एक एक लाइन प्रिंट कर रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, इसमें हैमर बोले तो हथौड़ा तकनीक का उपयोग किया जाता है। अर्थात इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का एक छोटा हथौड़ा बोले तो हैमर या प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर प्रहार करता है। रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना है। जब प्रिंट हेड द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हेड पर उपस्थित उस समय अक्षर कागज पर प्रिंट हो जाता है। कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब आ से लेके और ए से लेके जेड और एक जीरो से लेके नौ, भाई यही तो होगी प्रिंटिंग में कंडीशन। अब आप आ वाले जगह से डालोगे तो आ छप जाएगा, आ बा सा जो भी मतलब आपको दिखेगा। कहने का मतलब है कि इतने प्रकार के आपके अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक जो भी है इस कंडीशन के साथ में वो क्या होगा आपका प्रिंट हेड उस पर प्रिंट करेगा, प्रिंट हेड उस पर प्रिंट करेगा और कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी बदल जाएगी। अब आगे देखिए, आगे बढ़ो। इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है। देखो कैरेक्टर प्रिंटर जिसे हम सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं और लाइन प्रिंटर। देखो कैरेक्टर प्रिंटर, अब देखो ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। भाई ऐसा प्रिंटर जो एक बार में केवल एक अक्षर छाप सके वो क्या कहलाएगा आपका कैरेक्टर प्रिंटर। इसकी स्पीड सीपीएस होती है बोले तो कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है कि प्रति सेकेंड कितने कैरेक्टर वो क्या कर रहा है आपका, तो एक सेकेंड में एक ही करेगा भाई, सेकेंड हो जाएगी जब तक। आगे देखिए कैरेक्टर प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो। एक तो होता है डीएमपी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। देखिए इस प्रिंटर से छपने वाले अक्षर डॉट्स अर्थात बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। इस प्रिंटर में इंक के लिए रिबन कार्ट्रेज का उपयोग किया जाता है। डीएमपी प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता आपका 80 कॉलम वाला प्रिंटर और एक होता आपका 136 कॉलम का प्रिंटर। तो देखो आपको पता चला इंपैक्ट था, अब समझो देखो अब याद आएगा तुमको इंपैक्ट, इंपैक्ट के अंतर्गत क्या है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, और कैरेक्टर के भी कितने टाइप है आपके दो। एक तो है आपका देखो डॉट मैट्रिक और दूसरा आपका डेजी व्हील। आगे ये बात समझ में, देखो वापस मैं दोबारा पेज पर ले जाता हूं आपका। इंपैक्ट दो प्रकार के होते हैं, देखो एक तो कैरेक्टर और एक कौन सा आपका लाइन, ठीक है। तो देखो इंपैक्ट में हम लोगों ने कैरेक्टर पढ़ना स्टार्ट किया, उसके कितने आपका, एक तो डीएमपी हो गया और एक आपका डीडब्ल्यूपी आएगा। याद आया कि नहीं आया आपको? आगे देखो ये देखो ऐसा प्रिंटर, ये रहा। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होती है। इसमें मैट्रिक्स धातु की पिन लगी होती है, पिन की संख्या 9 से 36 तक होती है। कितनी, कम से कम 9 हो सकती है बोले तो देखो मिनिमम 9 हो सकती है और मैक्सिमम 36 होगी, और इन पिनों से ही क्या होगा आपका प्रिंट होगा। आप लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, इनकी छपाई की स्पष्टता कम होती है अर्थात स्लो प्रिंटर होता है। कैसा प्रिंटर होता है ये आपका? स्लो प्रिंटर होता है, फास्ट नहीं होता है, ये प्रिंटर होता है आपका एकदम स्लो। देखिए इसकी गति 30 से 300 कैरेक्टर प्रति सेकंड की होती है। कितनी होती है? एक सेकंड में 30 कैरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा 300। इनको देख लो ये क्या कह रहे हैं। जी बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो यार, तुम लोग पढ़ाई पर तो फोकस नहीं कर रहे। ठीक है चलिए, आगे देखिए। अब आता है आपका देखो DWP डेजी व्हील प्रिंटर। यह है सॉलिड फॉन्ट्स वाला प्रिंटर होता है। इसका प्रिंट हेड प्लास्टिक से निर्मित होता है, एक गोल चक्र के आकार का होता है। कहने का मतलब है देखिए उसमें क्या था, एक हैमर टाइप का हथौड़ा था और इसमें क्या है आपका एक गोल चक्कर टाइप का व्हील है। ठीक है, इसमें प्रिंट हेड की आकृति डेजी बोले तो गुलबहार एक पुष्प की तरह होती है। इसका उपयोग लेटर आदि छापने में किया जाता है और यह लेटर की क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसमें ग्राफिक्स की छपाई नहीं होती है। कहने का मतलब है इसमें जो जितना भी काम होगा वो किस पर होगा आपका? व्हील पर डिपेंड होता है। जो डेजी व्हील लगा हुआ है उस पर डिपेंड रहता है, व्हील के अकॉर्डिंग अगर काम होगा तो काम चलेगा। ठीक है आगे देखो, ये देखो ये है डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी व्हील है, ये इसमें लगा होता है। देखो डेजी व्हील प्रिंटर रिबन कार्टेज का उपयोग किया जाता है। इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है आपका? रिबन कार्टेज का। किसका यूज होता है इसमें भी? रिबन कार्टेज का यूज होता है। आगे देखिए लाइन प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक ही लाइन प्रिंट करते हैं। इसकी स्पीड LPM होती है, लाइन पर मिनट। देखिए उसकी क्या थी? कैरेक्टर पर सेकंड। उसकी तो थी CPS, इसकी क्या आपकी LPM, लाइन पर मिनट। कैरेक्टर वाले में सेकंड थी क्योंकि एक कैरेक्टर था, या लाइन छापी जा रही है इसका मतलब पूरी लाइन में कितने मिनट लग रहे हैं। ठीक है आगे देखो, इसकी स्पीड 300 से 3000 LPM तक होती है। मिनिमम आपकी 300 LPM हो सकती है और हाईएस्ट कितनी हो सकती है आपकी? 3000 LPM हो सकती है। ओके आगे देखिए, लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं आपके? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता आपका देखो चेन प्रिंटर, इसमें तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसे चेन प्रिंटर कहा जाता है। चेन पर कैरेक्टर छपे होते हैं, जो देखो ये दिख रही है आपको चेन, और देखो यहां ये अक्षर छपे हुए हैं आपके, ये क्या बने हुए हैं आपके? अक्षर हैं। जैसे जैसे देखो ये पेज जो है ना, पेज देखो ये दिख रहा है पेज, ये चेन के आसपास ऐसे घूमेगा तो वो पेज क्या करेगा? लाइनों को प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब है नीचे से पेज लगना स्टार्ट हुआ, पहली बार लगा और घूमते 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 वो पेज ऊपर निकल जाएगा तो एक एक लाइन प्रिंट होती चली जाएगी, प्रिंट होती चली जाएगी और वो क्या हो जाएगा आपका? जब देखो आपके पास ये बुक है, मेरे पास ऐसे घूमने वाला कोई चक्कर है, मैं इस बुक को नीचे से उठाना स्टार्ट किया और उस पर पहली लाइन आ गई, ऊपर खिसकाते जाओ फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, जैसे रस्से को बांधते हैं ना अपन भाई, जैसे ये पेज है इस पर यहां मैंने धागा बांध दिया, अब मैं उसको घुमाना चाहता हूं तो क्या होगा? लाइन बनती चली जाएगी नीचे तक,
तो ये इसी प्रकार से काम करता है आपका कौन सा, चैन प्रिंटर। दूसरा आता है देखो आपका बैंड प्रिंटर, इसमें चैन की तरह ही स्टील का एक क्या होता है आपका बैंड लगा होता है। फिर आता है आपको देखो ड्रम प्रिंटर, इसमें तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, इस ड्रम की सतह पर अक्षर उभरे हुए रहते हैं, एक बार घूमने पर एक लाइन छाप देता है, ये क्या कर देता है, एक बार घूमते क्या कर देता है, एक लाइन को आपका छाप के तैयार कर देगा। फिर आता है आपका देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, अब तक जो हमने पढ़े वो इंपैक्ट थे, दोबारा से देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूं जिससे आपको याद हो जाए, इंपैक्ट प्रिंटर, कितने प्रकार थे इसके, दो, एक था आपका देखो कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा था आपका लाइन प्रिंटर। लाइन भी अभी कितने प्रकार के थे देखे अभी अपन ने, तीन प्रकार के, देखो सबसे पहला आपका चेन प्रिंटर, दूसरा बताओ अभी पढ़ाया पिछली वाली स्लाइड पे था देखो ड्रम बैंड, याद आया कि नहीं आया, भूल जाते हो, देखो बैंड प्रिंटर और आपका ड्रम प्रिंटर, ये तो लाइन के पार्ट हो गए, इसके भी अभी पढ़ाए थे हमने आपको, एक तो होता आपका डीएमपी बोले तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक होता आपका डीडब्ल्यूपी डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, कैसा डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी व्हील कैरेक्टर का टाइप है, डॉट मैट्रिक कैरेक्टर का टाइप है, लाइन में आते हैं आपके चेन बैंड और ड्रम, ये किस प्रकार के होते हैं आपके इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, जिनसे प्रिंट होने में क्या आया आपकी आवाज आए, आवाज आती है वो सब कैसे होते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते। अब आते हैं आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से इफेक्ट पड़ना, और नॉन इंपैक्ट का मतलब है किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े। देखिए इसमें तापीय रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ऐसे प्रिंटर जो पेज को प्रिंट हेड के बिना टकराव से प्रिंट करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इसकी प्रिंटिंग की प्रक्रिया कैसी होती है आपकी, शांत होती है, लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, कैसा किया जाता है इसमें लेजर का, देखो दोबारा देखिए इसमें तापीय रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज होती है, अब इसमें कोई आवाज आवाज का इसका कोई झंझट नहीं है, इसमें या तो आपकी तापीय टेक्निक यूज होगी या आपकी कोई केमिकल यूज होगी या आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक यूज होगी। ऐसे प्रिंटर जो पेज को प्रिंट हेड के बिना टकराव से प्रिंट कर देते हैं क्या कहलाते हैं आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इसकी प्रिंटिंग की प्रक्रिया कैसी होती है आपकी, शांत होती है, लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है इसमें। आगे देखिए पेज प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल एक ही पेज प्रिंट करते हैं क्या कहलाते हैं आपके पेज प्रिंटर कहलाते हैं। इनकी स्पीड पीपीएम होती है, पेज पर मिनट में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है आपकी पीपीएम में मापी जाएगी, पेज पर मिनट में मापी जाएगी। आगे देखिए पेज प्रिंटर कितने प्रकार का होता है आपका, तीन प्रकार का, देखो लेजर प्रिंटर, लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिचुएशनली एमिशन ऑफ रेडिएशन, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है रेडिएशन का मतलब क्या होता है वेव, तो किससे चलेगा ये, एक प्रकार की वेव से। देखो आगे लिखा हुआ है कि लेजर का आविष्कार थियोडोर मेयरमन ने सन 1960 में किया था, लेजर प्रिंटर चेरोक्स कंपनी के रिसर्चर गैरी स्ट्रॉक वेदर के द्वारा सन 1969 में इन्वेंट किया गया था। भाई ध्यान दीजिएगा, लेजर का आविष्कार तो किया था थियोडोर मेयरमन ने, उसके बाद लेजर प्रिंटर जो है वो जीरोक्स कंपनी के रिसर्चर गैरी स्ट्रॉक वेदर के द्वारा 1969 में बनाया गया था। कहने का मतलब केवल लेजर आई थी, लेजर क्या होती है एक प्रकार से किरण होती है, लेजर का आविष्कार हुआ था 1960 में, लेकिन लेजर प्रिंटर कब बना आपका
1969 में, मतलब 9 साल लग गए उसको प्रिंटर बनाने में। जो लेजर का आविष्कार किया गया था थियोडोर मेयरमैन के द्वारा 1960 में, इसको लेजर प्रिंटर में कन्वर्ट करने में कितने साल लगे? 9 वर्ष लगे पूरे। और तब जाके 1969 में क्या हुआ, इन्वेंट हुआ किसका, लेजर प्रिंटर का इन्वेंट हुआ। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा देखो लेजर प्रिंटर जिसे हम लोग और आप लोग यूज करते हैं वर्तमान में, वो सब लेजर प्रिंटर ही है। देखो ये सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है और तेज गति का प्रिंटर भी है। इसमें लेजर किरणों, बोले तो लेजर बीम का यूज किया जाता है। लेजर बीम के प्रयोग से इसमें प्रिंट दी जाती है। लेजर बीम टेक्निक का यूज करते हैं तब जाके क्या दी जाती है, इसमें प्रिंट दी जाती है। आगे देखो, लाइट जलती हुई देखी होगी आपने, इसमें ड्राई इंक सूखी स्याही का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन में जब हम कोई कागज रखते हैं और जब उसके ढक्कन को बंद करते हैं तो एक लाइट चल के जाती है, तो वही क्या कहलाती है आपकी, लेजर बीम कहलाती है। क्या कहलाती है, वही आपकी लेजर बीम होती है। क्या होती है आपकी, लेजर बीम कहलाती है। आगे देखिए, अब आता है आपका इंक जेट प्रिंटर। इसमें छोटी मोटी स्याही की बूंदों के छिड़काव से अक्षर एवं चित्र कागज पर छापे जाते हैं। भाई इंक का छिड़काव किया जाता है जिससे कागज पर अक्षर और चित्र प्रिंट हो जाते हैं। जब देखिए, इसमें इंक को रखने के लिए 4 नोजल होते हैं जिन्हें कार्टेज कहा जाता है। इसे CMYK के प्रिंटर भी कहा जाता है, बोले तो सियान, मैजेंटा, येलो की, बोले तो ब्लैक, ये रंगीन प्रिंटर कहलाता है। आपने देखा होगा कलर्ड प्रिंटर, चित्र दे रखा है, देखने दो एक बार। हाँ ये रहा देखो, आपने देखा होगा, देखो ये 4 कलर कभी कभी तो अंदर ही होते हैं, कभी कभी यहां साइड में एक डब्बा सा बना होता है उसमें 4 कलर होते हैं आपके कलर प्रिंटर के साइड में 4, पर ये 4 प्रकार की इंक होती है आपकी। देखो इसमें 3 मूल प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो लाल, नीला और हरा। ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है आपकी, 300 से 600 dpi तक होती है। कैसी होती है आपकी, 300 से 600 dpi, इसमें 200 dpi का कोई काम नहीं है। कलर्ड प्रिंटर में PDF निकालने का मतलब है 300 से 600 dpi की PDF का क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, अब आता है आपका देखो थर्मल प्रिंटर। इसमें थर्मोफॉर्मिंग कागज का यूज किया जाता है। इसमें प्रिंटिंग ताप और ऊष्मा के द्वारा की जाती है। ताप और ऊष्मा के द्वारा इसमें क्या की जाती है आपकी, प्रिंटिंग की जाती है। इसका उपयोग ATM मशीन, अब देखो ATM का मतलब क्या होता है आपका, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर बात करें हम डिपार्टमेंटल स्टोर तथा कैंटीन में बिल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, थर्मल प्रिंटिंग का उपयोग ATM मशीन में, देखा होगा आपने ऐसी पर्ची निकल के आती है छोटी सी, रिसीट निकलती है, नहीं निकलती है, आपने देखा होगा कहीं कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में बिलिंग में भी ऐसी रसीद निकल के आती है, नहीं निकल के आती है छोटे कलर की, उसके लिए जो प्रिंटर लगाया जाता है वो कैसा होता है आपका, थर्मल प्रिंटर होता है। कैसा होता है, थर्मल प्रिंटर। अब यहां से प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि थर्मल प्रिंटर का प्रयोग निम्न में से कहां किया जाता है। ठीक है, या तो देखो वो ऐसे लिख दे ATM में, डिपार्टमेंटल स्टोर, कैंटीन, बिल में और उपरोक्त सभी, तो आंसर सही है। या फिर वो ये कहेगा कि कैंटीन में बिल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है, फिर फंस जाओगे, क्योंकि जब तक अकेला नाम दिया होता है तो हमें यूज पता होता है, लेकिन जब यूज दिया होता है और प्रिंटरों के नाम दिए होते हैं तो वो फिर हमारे दिमाग में गजल गजल हो जाती है कौन सा किधर आता है। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कराता हूं, हम लोग इंपैक्ट पढ़े थे, इंपैक्ट के पार्ट कितने बताए थे हमने, 2, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर में कौन कौन सा था, डॉटमेट्रिक प्रिंटर और डेजी बिल प्रिंटर, और लाइन में कौन कौन सा था आपका, चैन, बैंड और ड्रम। ठीक है, एक एक अक्षर करके प्रिंट करे,
वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर, एक एक लाइन करके प्रिंट करें। और उसी में जब हम पेज की बात आती है तो हम नॉन इंपैक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जब भी पेज प्रिंट करने की बात आएगी तो पेज पूरा नॉन इंपैक्ट से होता है। अकेले अक्षर को, लाइन को आप किससे कर सकते हो? उससे कर सकते हो, क्या बोलते हैं, लाइन और इंपैक्ट प्रिंटर से कर सकते हो। आगे देखो क्या कह रहा है, देखो ये वाला देखा है ना आपने, ये प्रिंटर ज्यादातर आपको डिपार्टमेंटल स्टोरों पर ही मिलेगा, मॉल में जाओगे तो यही मिलेगा, जाना एक बार कभी। देखिए प्रिंटर की क्वालिटी डीपीआई में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। एक ही कलर के ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर को मोनोक्रोम कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, कि एक ही कलर के ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर को क्या कहा जाता है आपका, मोनोक्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोक्रोम कहा जाता है। आगे देखिए, अब आता है आपका देखो प्लॉटर, बैनर बैनर नक्शे वक्से टाइप प्रिंट होते हैं, वो भी तो प्रिंटर ही होता है ना, प्रिंटिंग प्रेस में लगा होता है। देखो कह रहा है ना कि इसका उपयोग बड़े ग्राफ, नक्शे, फ्लैक्स, बिल्डिंग मैप, कैड, अब देखो कैड का मतलब होता है आपका देखो कंप्यूटर, एडेड डिजाइन आदि की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। भाई इसका उपयोग बड़े ग्राफ बनाने में किया जाता है, किसी नक्शे को प्रिंट करने में किया जाता है, फ्लैक्स प्रिंट करने में किया जाता है। जब देखो ये फ्लैक्स आपके लगे हुए हैं कमरे में, तो ये सारे फ्लैक्स किससे प्रिंट हुए होंगे आपके, प्लॉटर से। किसी बिल्डिंग का मैप तैयार करने में, कोई कंप्यूटर एडेड कोई डिजाइन है उसको प्रिंट करने में, इन सब में किसका प्रयोग होता है आपका, प्लॉटर का प्रयोग होता है। ये किस श्रेणी में आता है आपका, नॉन इंपैक्ट में चल रहे हैं अब हम लोग, किसमें, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में चल रहे हैं। आगे देखिए, आगे आता है देखो, इसका विकास सन 1953 में रेमिंगटन रैंड द्वारा किया गया था। यह एक उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग मशीन है। यह दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है ये आपका, दो प्रकार का होता है, एक तो है आपका ड्रम पेन प्लॉटर और एक है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। बोले देखो कहने का था, एक तो ड्रम प्रकार का और एक आपका समतल टाइप का, एक तो ड्रम प्रिंट होता है और एक होता है आपका समतल होता है। अब देखो समझो, अब आता है देखो आपका फ्लेक्सी मशीन। अब देखो तुमको देखने से पता चल गई होगी, आपने देखा है गाड़ी पर नाम लिखवा के लाते हो आप लोग, मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर लिखवा दिया कि भाई इधर लिखा हुआ है यादव जी, उपाध्याय जी, ऐसे लिखते नहीं लिखते अपन, जाट साहब लिख दिया, झांसी की रानी लिख दिया। तो ये प्रिंट देखो, अब देखो इसका उपयोग कार, मोटरसाइकिल आदि की नंबर प्लेट पर, रेडियम सीट पर प्रिंटिंग कराने के लिए किया जाता है। ऐसी लगी होती है, नहीं लगी होती है मशीन, जब हम नंबर्स डलवाने जाते हैं या पीछे हमको अपने बच्चे का नाम लिखाना है, घर वालों का लिखाना है। आजकल लोग देखते हैं काटू श्याम बाबा का लगाते हैं, हिंदू लिखवाते हैं, जो मर्जी है वो लिखाते हैं, सही बात है। तो इन सब में क्या प्रयोग होता है आपका, फ्लेक्सी मशीन। अच्छा मैं उस टाइम पर इसे बताता हूं, तुम्हारी समझ में बहुत कम आता, अभी चित्र देखने के बाद तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कैसा देखा तो है लेकिन कहां देखा है वो सर बता देंगे अभी। एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप देखकर जल्दी समझ सकते हैं बजाय पढ़ने से। चीजों को देखते जाओ, चीजों में रमते जाओ, चीज आपकी, और जितनी देखोगे उतनी जल्दी आप समझ पाओगे, ठीक है। आगे देखो, अब आता है आपका देखो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिसमें आता है आपका देखो मॉनिटर, ठीक है। देखो यह है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, इसमें वीडियो बोले तो विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। पर देखिए मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है, इतना ध्यान रखना, यह आया हुआ है ग्राम सेवक में आया था कि मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वीडियो, तो देखो वीडियो डिस्प्ले यूनिट कह दो, या तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट कह दो, या आप इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह दो, एक ही बात है। और यह ग्राम सेवक में पूछा गया था कि वीडियो के नाम से निम्न में से किस उपकरण को जाना जाता है, और लड़के तुरंत फंस गए थे कि यार ये नहीं पता क्या है,
क्योंकि वीडियो तो एलसीडी में भी आती है, एलईडी में भी आती है, सही है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट का मतलब यह है एलसीडी या एलईडी में जो आती है वो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू केबल आती है, और मॉनिटर में जो चीजें आती हैं वो सिस्टम जनरेटेड होती हैं। मॉनिटर के लिए सीपीयू लगाया जाता है, टीवी के लिए कहाँ लगाया जाता है, सीधा केबल का कनेक्शन लगाया चालू। इधर बहुत तामझाम करना पड़ता है। तो जब विजुअल दिखाती है या वीडियो का आउटपुट देती है वो होता है आपका मॉनिटर। जब देखो ये सामने रखा हुआ है, ये तो आपका मॉनिटर है। हाँ गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे भैया। ठीक है आगे देखिए, देखो कितना बढ़िया फोटो लिया है ना। देखो सॉफ्ट कॉपी का कलर कोड आरजीबी होता है, बोले तो रेड ग्रीन ब्लू होता है। अब देखो ये आपको आउटपुट दिखा, ये मॉनिटर है आपका। हाँ भाई किसी और का फोटो लगाने से बढ़िया हम अपना लगा लें, गुरुजी का और अपना लगा लिया हमने। ठीक है देखिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती है, आपकी प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहलाती है, वो क्या है आपकी मॉनिटर। आगे देखिए मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्नेड ब्राउन ने 1897 ईस्वी में किया। एक ही कलर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है आपका मोनोक्रोम कहते हैं। किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। अब देखो मॉनिटर की जो गुणवत्ता है वो कैसे पता चलेगी, आपने आपके सामने एलईडी एलसीडी या मॉनिटर कुछ भी है, उस मॉनिटर की क्वालिटी कैसे पता चलेगी, उसके लिए है ये चीजें। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका पिक्सल, पिक्चर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है आपकी पिक्सल कहलाती है। आपने देखा होगा जब हम मोबाइल को ट्राई करते हैं, मोबाइल का कैमरा ट्राई करते हैं, तो पहले फोटो खींचते हैं फिर उसको ऐसे चौड़ा के देखते हैं ना कि इसके पिक्सल फट तो नहीं रहे। अगर फट गए तो आप कहते अरे यार कैमरा बेकार है यार, मोबाइल तो तू महंगा लेके आ गया लेकिन इसका कैमरा ठीक नहीं है, पता नहीं होता है। तो वो किसे जानते हैं हम लोग उस जगह पर, पिक्सल्स को। किसी भी पिक्चर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है आपकी पिक्सल कहलाती है। आगे देखो रिजोल्यूशन, पिक्सल के समूह को रिजोल्यूशन कहा जाता है। जिस रिजोल्यूशन में पिक्सल की संख्या ज्यादा होगी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। स्क्रीन के प्रति इकाई एरिया में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब है देखो पिक्सल जो है ना पिक्सलों से मिलके क्या बना हुआ है आपका रिजोल्यूशन बना हुआ है, क्या बना हुआ है रिजोल्यूशन, पिक्सलों से मिलकर क्या बना हुआ है आपका रिजोल्यूशन बना हुआ है। और रिजोल्यूशन क्या होता है आपका प्रति इकाई एरिया में, प्रति इकाई एरिया की बात करूं तो प्रति इकाई एरिया में आपके मॉनिटर पर बिंदुओं की जो संख्या होती है वो आपका वही आपका क्या कहलाता है आपका स्क्रीन पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या रिजोल्यूशन कहलाता है। हाँ भाई ठीक है आगे देखिए 15 इंच के मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 हो सकता है। अब देखो ये सामने रखी हुई है आपकी, ये 19 इंची वाली है जो सामने मॉनिटर रखा हुआ है, ये कितने का है आपका 19 इंच का। अगर ये कितने का होता आपका 15 इंच का होता तो इसका रिजोल्यूशन क्या होता आपका 1024x768। कहने का मतलब है रिजोल्यूशन का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा फोटो खिंचवाते हैं हम लोग, एक तो हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं वो तो फिक्स साइज है उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है हम लोग फैमिली फोटो खिंचाते हैं या जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो दो तीन बातें होती हैं वहां पर हमारे यहाँ। जी ठीक है, अब वो हमसे पूछता है कि भाई कितने बाई कितने का फोटो बनाना है, 5x7 का बनाना है, 6x8 का बनाना है, फोटो का कितना साइज रखना है। जैसे देखो ये फोटो भी लग रहा है आपके सामने देवी जी का,
इसका भी साइज सेट है ना। तो कहने का मतलब है कि लेंथ और विड्थ जो होती है आपकी, इसके अकॉर्डिंग ही तो रिजोल्यूशन सेट होता है आपका। पर रिजोल्यूशन आप लंबाई चौड़ाई में तो सेट करोगे, और कहीं तो कर नहीं सकते भाई। आपको जब भी रिजोल्यूशन सेट करना तो किसमें करोगे आप? लंबाई चौड़ाई में। आगे देखो, एस्पेक्ट रेशियो, स्क्रीन को जिस ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात में मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है आपका? एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। मॉनिटर के लिए सामान्यतः जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपका? 4:3। अच्छा देखो, तुमको दिख रहा है सामने, देखो ऊपर वाला एरिया बड़ा है और ये ऐसे छोटा है, लेकिन ज्यादा अंतर तो नहीं है। देखो जितनी बड़ी तुम लोगे ना ऐसे, उतनी ही चौड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब है नॉर्मली जो रेशियो होता है वो 4:3 में होता है। कहने का मतलब बड़ा वाला हिस्सा जो है वो मॉनिटर का ये वाला हिस्सा होता है और छोटा वाला ये होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया देखो यहां तक तो आएगा ही आएगा, कम से कम इतना ही तो बड़ा है ये। अब समझो बात को, जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा, जैसे ही मैं इसको ऐसे सोचूंगा देखो इतना बड़ा ले लूं, तो ये उतना ही बड़ा हो जाएगा नीचे, नीचे स्क्रीन उतनी बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ये आना 4:3 में ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये आना 4:3 में ही चाहिए। कि अगर आपने लंबाई जो ले रखी है ये 4:1 में ले ली, तो ये 3:1 में ही आएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको चौड़ा दो और ये चौड़े ही नहीं, ना, इम्पॉसिबल। टीवी लाओ कोई सी भी खरीद के, आप टीवी जितनी छोटी होगी रिजोल्यूशन उतना छोटा होगा, टीवी का आकार बढ़ता जाएगा रिजोल्यूशन भी क्या हो जाएगा उसका? बढ़ता हो जाएगा। आपको जो याद रखना है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉनिटर का जो बाय डिफॉल्ट रिजोल्यूशन होता है आपका, मॉनिटर का जो आपका बाय डिफॉल्ट रिजोल्यूशन होता है वो होता है आपका 4:3 के अनुपात में। जो बाय डिफॉल्ट रिजोल्यूशन होता है वो होता है आपका 4:3 के अनुपात में। आगे देखिए, डॉट पिच। अब देखिए यह एक मापन की इकाई है जो पिक्सल्स के बीच की दूरी को मापती है। जो पिक्सलों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मापने का काम कौन करती है? आपकी डॉट पिंच करती है। देखिए डॉट पिंच की मापन इकाई एमएम होती है, एमएम बोले तो मिलीमीटर होती है। डॉट पिंच की मापक इकाई एमएम बोले तो मिलीमीटर होती है, याद रखना है। देखो टोटल वैल्यू आपको याद करने की है, इसमें टोटल वैल्यू में देखो ना तो कोई फॉर्मूला लगा, ना कोई ट्रिक लग रही, जैसे कि आप ये कहो कि भाई नहीं ट्रिक लग रही है, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको याद करने की चीजें और जो आपको याद करनी है। आगे देखो, अब आता है आपका रिफ्रेश रेट। देखो रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। रिफ्रेश रेट अगर अधिक होगी तो मॉनिटर की गुणवत्ता क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब देखो मैं बताता हूं आपको, आपने देखा कि आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आपका जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है? आपका स्लो चल रहा है, ठीक है। आपने देख लिया और आपको पता चल गया कि सिस्टम कैसा है? आपका स्लो चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के होम स्क्रीन पर जाएंगे, और होम स्क्रीन पर जाके क्या करेंगे हम लोग, उसे रिफ्रेश करेंगे। अब एक दो बार रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा सही हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इस रिफ्रेश रेट को बढ़ाते हैं, इस रिफ्रेश रेट को क्या करते हैं, फास्ट का मतलब है कि जैसे एक बार मैंने राइट क्लिक दबाया, रिफ्रेश वाला बटन दबाया, अब मैं F5 से रिफ्रेश हो जाएगा। अब F5 को कम से कम 15-20 मिनट तक दबाऊं तो रिफ्रेश हो गया। दूसरा रिफ्रेश का तरीका होता है, रन बॉक्स में जाओ, आप रन बॉक्स जानते हो जहां से हम सर्च करते हैं, रन बॉक्स में जाके लिखो देखो परसेंट TEMP और फिर लिख दो परसेंट, और इतना लिखने के बाद जैसे ही आप इसके बाद क्या दबाओगे, एंटर दबाओगे, जैसे ही इस पर आप एंटर प्रेस करोगे तुरंत आपका ओपन हो जाएगा टेम्परेली फाइल्स। फिर आप कंट्रोल प्लस ए से उसे ऑल सेलेक्ट करना और डिलीट वाला बटन दबा देना। तो कहने का मतलब टेम्परेली फाइल जिनका यूज नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजलेस फाइल कहते हैं। टेम्परेरी फाइल को हम क्या कहते हैं, यूजलेस फाइल कहते हैं। जब इनको
जब इन फाइलों के लिए हम एक्टिवेशन देते हैं और जब हमें डिलीट कर देते हैं, तब भी क्या होती है आपकी रिफ्रेश रेट बढ़ जाती है, तो मॉनिटर की जो गुणवत्ता है वो भी क्या हो जाएगी आपकी फास्ट हो जाएगी। मॉनिटर की गुणवत्ता क्या हो जाएगी आपकी फास्ट हो जाएगी, जैसी जैसी रिफ्रेश रेट होगी वैसे बेटा मॉनिटर की क्या होगी आपकी गुणवत्ता फास्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें। अब बात आती है आपकी, देखो रेस्पॉन्स टाइम। देखो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय क्या कहलाता है आपका रेस्पॉन्स टाइम। जैसे कि एक कलर से दूसरे कलर में अगर हम पिक्सल को बदलना चाहते हैं तो जो समय सारणी है, जो टाइमिंग लग रही है बीच में, वो क्या कहलाएगा आपका रेस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। जब देखो रेस्पॉन्स टाइम की बात है, आपने किसी को कॉल किया, ठीक है, आपने किसी को कॉल किया और आपने बोला कि भाई मुझे दिनेश का नंबर चाहिए। एक आदमी तो तुरंत याद रहता तो वो तुरंत बोल देता ले भाई लिख, एक आदमी को याद नहीं होता तो वो बोलता कि चल मैं तेरे को व्हाट्सएप करता हूं फोन काट। ये सेंटेंस होता नहीं होता है, एक व्यक्ति कहता है यार देख दिनेश को नंबर तो याद नहीं और निकलेगा कैसे, मेरे को आता नहीं है, अब रुक जा मैं पहले निकाल के भाई लिखेंगे, लिखने के बाद मैं दोबारा तुझे कॉल लगाऊंगा, फिर मैं तुझे एक एक करके बोल के बताऊंगा जब तू लिख लेना, जो नहीं जानते यही होता है। तो ये तीनों प्रकार से हुआ क्या, रेस्पॉन्स टाइम ही तो है। पर रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है जितना समय जवाबदेही में लगता है, भाई आपको रिपीट जवाब देने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा आपका रेस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। पर रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है जितना टाइम आप जवाब देने में ले रहे हो वही क्या है आपका रेस्पॉन्स टाइम है। आई बात समझ में, ठीक है, आगे देखिए। बिट मैपिंग मॉनिटर स्क्रीन पर टेक्स्ट एवं ग्राफिक्स को एक साथ शो करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया गया है उसे क्या कहा जाएगा आपका बिट मैपिंग कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है बिट मैपिंग कहा जाता है। ओके, आगे देखिए। फिर आता है आपका इंटरलेसिंग, यह मॉनिटर की ऐसी तकनीक है जिसमें मॉनिटर पर एक बार में आधी लाइन शो होती है, क्योंकि यह एक समय में आधी लाइन को ही क्या कर पाता है आपका रिफ्रेश कर पाता है। आपने देखा मोटर मॉनिटर पर कभी कभी आधा दिखता है आधा दिखता नहीं है, मोबाइल में भी हो जाता है कई बार ऐसा, हम लोग कोई पीडीएफ ओपन की आधी तो खुल गई आधी अभी बाइट, और फिर उस पर क्या हो रहा है कर्सर घूम रहा है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा आपका वो क्या कहलाएगा आपका इंटरलेसिंग कहलाएगा। फिर आता है आपका देखो फ्लिकरिंग अस्थिर, मॉनिटर स्क्रीन का झिल मिलाना फ्लिकरिंग कहलाता है। अब देखो ये सब कुछ है इस पर, ये मॉनिटर है आपका, देखो क्या कह रहा है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, मॉनिटर के प्रकार हैं ये दो, ये तो हो गया आपका सीआरटी, देखो कंट्रोल ग्रिड हो गया, ये एनोड हो गया, ये डिफ्लेक्टिंग कॉयल हो गया आपका, ये फ्लोरेंस स्क्रीन हो गई आपकी, ये आपका फ्यूसिंग कॉयल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बीम हो गई, ये कैथोड हो गया, ये आपका हीटर हो गया, इन सबसे क्या बना हुआ आपका कैथोड रे ट्यूब, पिक्चर ट्यूब टाइप में। देखा होगा आपने मॉनिटर एक तो डब्बे के टाइप में आता है और एक आपका फ्लैट आता है आजकल, तो ये जो पिक्चर ट्यूब वाला है ना ये तो वो डब्बा रखा रहता था पहले मॉनिटर, वो वाला है, और देखो देखो दिख रहा है डब्बा टाइप में। देखो सीआरटी टीवी के समान होता है, इसकी स्क्रीन फास्फोरस के लेपन की होती है, कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन पर उस स्थान पर चमकने लगती है। कहने का मतलब है पिक्चर ट्यूब जो है उसमें कैथोड लगा हुआ है, कैथोड ट्यूब में जब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तो उसमें से कुछ किरण निकलकर स्क्रीन पर चिपक जाते हैं और क्या हो जाता है ये चलायमान हो जाता है और आपको क्या विजुअल दिखने लग जाता है और स्क्रीन क्या होती है आपकी चमकने लग जाती है। कहने का मतलब है कैथोड रे ट्यूब से स्क्रीन तक आने में जो विजुअल दिखता है वो पूरा क्या है आपका मॉनिटर है, एक तो ये है, एक आपकी एलईडी होती है इसमें पिक्चर ट्यूब नहीं होता है। दूसरा देखो ये दो प्रकार का होता है भाई, एक तो रंगीन मॉनिटर होता है इसमें तीन इलेक्ट्रॉन गर्न होती है, लाल हरे और नीले रंग के लिए अलग अलग लगाई जाती हैं। एक होता है आपका देखो मोनोक्रोम अथवा ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, पर देखो उसमें तीन इलेक्ट्रॉन गन होती है और इसमें कितनी होती है एक। अच्छा इसमें एक इसलिए होती है क्योंकि उसी में ब्लैक एंड व्हाइट है
और तीन इसलिए होती हैं, लाल, हरा और नीला, ये तीनों ही रंग आपके सर्वग्राही होते हैं, इन्हीं से मिला के बाकी के रंग बनते जाते हैं। लाल, नीला और हरा, ये तीन प्रकार के ऐसे रंग हैं, इनको अगर आप मिक्सअप करते जाओगे तो बाकी के 12 कलर और बना सकते हो आप इनसे। तो 12 वो और तीन ये, इस प्रकार ये तो हो गया आपका देखो कलर्ड मॉनिटर, और ये हो गया आपका ब्लैक एंड व्हाइट, ये ओल्ड जमाने वाला और ये लेटेस्ट जमाने का। आगे देखो, फिर आता आपका देखो FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये वजन में हल्के, पोर्टेबल और कम बिजली खपत करने वाले होते हैं, यह मुख्यतः लैपटॉप में प्रयुक्त होते हैं। देखो ज्यादातर तो मुख्य लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में क्या होता है, फ्लैट होता है, लेकिन अगर हम बात करें ये वाला, तो ये वाला भी कैसा कहलाता है आपका फ्लैट पैनल है, क्योंकि एक प्रकार से सीधी स्क्रीन के रूप में है और पीछे इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इसमें आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के बीच में संयोजित किया जाता है। ये निम्न में से तीन प्रकार के होते हैं। देखो एक होती है आपकी LCD, आगे सामने रखी है LCD, देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें दो परतों के बीच क्रिस्टल भरा होता है, ठीक है। आगे देखो, आकार छोटा होता है, सस्ती होती है, न्यू वर्जन होता है, बिजली कम खपत होती है और पोर्टेबल होती है। एक होता है आपका देखो GPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, दूसरी कौन सी होती है आपकी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होती है, और होता है एक देखो आपका LED लिक्विड इमिटेड डायोड, आकार में छोटी, सस्ती, न्यू वर्जन, बिजली की खपत कम और पोर्टेबल होती है। एक होता है आपका OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें ब्राइटनेस कैसी होती है आपकी उत्तम होती है। एक होता है आपका देखो TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यह आकार में छोटी, सीधी व पतली स्क्रीन होती है, यह क्या कहलाती है आपकी TFT कहलाती है। और देखिए एक होता है आपका ELD इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, नोट कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण बोले तो डायगोनली की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मॉनिटर है इसका अगर आपको साइज निकालना है तो आप साइज ऐसे नहीं निकाल सकते, तुम ये नापने लग जाओगे ये कितने इंची का है तो नहीं नाप पाओगे, डायगोनली विकर्ण तय होती है। ये जो पैनल दिख रहा है ना आपको ये 75 सेंटीमीटर का है, लेकिन ऐसे 75 नहीं है, ये ऐसे 75 है, ये ऐसे 75 है, ऐसे नापा जाता है इसको। आदमी क्या सोचता है कि यार इतना बड़ा, भाई जब कोई एरिया घेरता है तो उसे विकर्णगत मापते हैं, अकेली लाइन होती है उसे विकर्णगत नहीं मापते हैं। ओके, बेटा रतन तैयारी करिए और जरूर निश्चित आपको सफलता मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी करनी है आपको, ठीक है। फिजिकल के लिए आप महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं और तैयारी आप कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। अगर फिजिकल आप खुद से कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एकेडमी ज्वाइन कर लें। फिर आता है आपका देखो वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाला डेटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है, मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ VDT बोले तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल निम्न प्रकार के होते हैं, अब कंप्यूटर में कितने टाइप के टर्मिनल बनते हैं, भाई देखो कीबोर्ड और मॉनिटर, क्यों देखिए बिना कीबोर्ड के मॉनिटर का कोई औचित्य नहीं है, जब तक कीबोर्ड आपको इनपुट नहीं देगा तो आउटपुट कैसे लाओगे, जब तक कीबोर्ड आपको इनपुट नहीं देगा तो आउटपुट तो आप कहीं से ला ही नहीं सकते, और जब तक आप आउटपुट नहीं लाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो मॉनिटर काम करता है आउटपुट देने का, लेकिन जब तक आपके पास इनपुट नहीं है तो आउटपुट किसका दोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ये तार निकाल दूं तो चलेगा, लेकिन तार लगा हुआ है, लाइट आ रही है, इसकी स्क्रीन ऑन है, तो मैं इस पर काम कर रहा हूं, उससे पहले मैं इस पर काम नहीं कर सकता था। आगे देखिए, एक होता आपका देखो थंब टर्मिनल, इसकी स्वयं की प्रोसेसिंग
तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। यह मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है मूल रूप से कंप्यूटर पर ही डिपेंड रहता है आपका थंब टर्मिनल, इसकी प्रोसेसिंग जो है और स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बिल्कुल नहीं होती है। थंब टर्मिनल में केबल और केबल डिपेंडेंसी होती है किस पर, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी रहती है। आता है अगला स्मार्ट टर्मिनल, इसकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है किंतु स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। अब देखो थंब टर्मिनल में ना तो प्रोसेसिंग होती है ना स्टोरेज होता है, लेकिन स्मार्ट टर्मिनल में प्रोसेसिंग तो होती है लेकिन स्टोरेज नहीं होता है। और तीसरा कौन सा आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल, इसकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोरेज क्षमता दोनों होती हैं। तो देखो डंप, स्मार्ट और इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट। तो देखो प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। देखो ना तो इसमें प्रोसेसिंग होती है ना ही इसमें स्टोरेज होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है स्टोरेज नहीं होता है, इसमें प्रोसेसिंग भी होती है और इसमें स्टोरेज भी होता है। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डंप टेक्नोलॉजी टर्मिनल ना प्रोसेसिंग ना स्टोरेज, ये डिपेंड किस पर होता है आपका, ये डिपेंड होता है आपका मुख्यतः कंप्यूटर पर, डिपेंड होता है किस पर आपका कंप्यूटर पर, ठीक है। प्रोसेसिंग होती है इसमें लेकिन इसमें स्टोरेज नहीं होता, इसमें प्रोसेसिंग भी होती है और स्टोरेज भी होता है। फिर आगे आता है आपका देखो वीडियो स्टैंडर्ड, पिक्चर एवं वीडियो को शो करने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग होता है वह आपकी क्या कहलाती है, आपकी वीडियो स्टैंडर्ड तकनीक कहलाती है। भाई किसी पिक्चर को या किसी वीडियो को आप शो करना चाहते हो, जैसे कि देखिए मैं आपका फोटो लेके वीडियो बनाना चाहता हूं, एक तो नॉर्मल ले लिया तो वो नॉर्मल टेक्निक कहलाई। तो वीडियो का स्टैंडर्ड का मतलब है कि जिस विजुअल में जिस रिजोल्यूशन में आप वीडियो लेते हो वो क्या कहलाता है, आपका वीडियो का स्टैंडर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वीडियो का स्टैंडर्ड कहलाता है कि वीडियो किस स्टैंडर्ड की है, किस टाइप की वीडियो है, ये बताता है आपको क्या वीडियो का स्टैंडर्ड। लो क्वालिटी में है तो वीडियो का स्टैंडर्ड लो है, मीडियम में है तो वीडियो का स्टैंडर्ड मीडियम है, अगर हाई में है तो वीडियो का स्टैंडर्ड कैसा आपका हाई प्रोफाइल का। ओके अगला देखिए, एक आता आपको देखो GCGA कलर ग्राफिक एडेप्टर, एक होता आपका देखो EGA एनहांस्ड ग्राफिक एडेप्टर, एक होता आपका देखो EGA एक्सटेंडेड ग्राफिक एडेप्टर, एक होता आपका VGA वीडियो ग्राफिक एरे, एक होता आपका SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। ये क्या है आपके वीडियो के स्टैंडर्ड हैं। देखो CGA में वीडियो दिख सकती है, EGA टाइप में भी दिख सकती है, दूसरा EGA टाइप में भी दिख सकती है, VGA केबल होती है, आपने देखा होगा भाई VGA जो है ना ये तो केबल होती है, वीडियो ग्राफिक एरे ये जो कैमरा जा रहा है ये VGA केबल से तो जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप वीडियो देख पा रहे हैं। आप जब ऑनलाइन देखेंगे तो मेरी वीडियो दिख रही है आपको, ऑनलाइन सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको मेरी वीडियो दिख रही है, तो वो कैसा एरे आपका विजुअल डिस्प्ले है। तो ये भी क्या बता रहा है आपका वीडियो के स्टैंडर्ड को, अगर साफ नहीं दिखे धुंधला दिखे तो वो वीडियो का क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। एकदम मध्यम वर्गीय दिखे कि ना तो खराब ना अच्छा, वो क्या कहलाएगा आपका मध्यम स्टैंडर्ड कहलाएगा, और एकदम टॉप क्लास HD में दिखे वो वीडियो का स्टैंडर्ड अच्छा वाला कहलाएगा। तो वीडियो के स्टैंडर्ड होते हैं ये। आगे देखिए अब नंबर आता है आपका देखो प्रोजेक्टर का, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा ऐसा होता है, प्रोजेक्टर में देखो ये पावर केबल है आपकी, ठीक है, और ये वाली जो है ना ये आपकी देखो VGA केबल या HDMI केबल दोनों हो सकती है, ठीक है। ये प्रोजेक्टर की क्या है, ये पिन है, ये प्रोजेक्टर का कार्ड है और ये आपका रिमोट है। देखो ये है कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चित्र व सूचनाओं को बड़ी सतह या पर्दे पर प्रदर्शित करता है,
मतलब बड़े पर्दे पर अगर कोई चीज आपको दिखानी है, बड़े चित्र के रूप में अगर आपको कोई चीज दिखानी है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टर लगा सकते हो। जैसे कि मान लिया हम लोगों ने बच्चों की सफलता आने के बाद उनके रिजल्ट्स वगैरह देखे, हमको, हम लोग उसे शो करना चाहते हैं और कुछ बच्चों को बुला के दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, खूब सारे बच्चे बैठे होंगे ग्राउंड में, ठीक है, एक बड़ी सी स्क्रीन लगा देंगे, चल तो रहा होगा कंप्यूटर पर वो डेटा, लेकिन कंप्यूटर का डेटा हम प्रोजेक्टर के जरिए बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसे देखा होगा जब आपने बड़े बड़े डांस प्रोग्राम होते हैं, या फिर आप पिक्चर हॉल में चले जाइए, कहीं मत जाइए, पिक्चर हॉल में आपने देखा होगा पर्दा बहुत बड़ा होता है, होता है कि नहीं होता है, उस पर्दे में से तो वीडियो नहीं निकलती है, आपने देखा होगा जिन सीटों पर आप बैठे होते हैं उसके ऊपर से लाइटिंग आती है, तो वो फोकस प्रोजेक्टर का है उस पर्दे पर, वो पिक्चर जो चल रही है वो प्रोजेक्टर में चल रही है, हाई डेफिनेशन वाला प्रोजेक्टर, जो देखो अभी आया था ना, नाम देखो क्या आया था, ये रहा देखो, ये रहा सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, SVGA लगाया जाता है वहां पे, और वो SVGA क्या करता है, उस आउटपुट डिस्प्ले को सामने दिखाता है और सामने से वो लोगों को दिखती है, आपको ये महसूस नहीं होता है वो सुपर क्यों है, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर लास्ट इतनी दूरी पे लगा होता है लेकिन साफ नहीं दिखाता, और वो देखा आपने हॉल का डिस्टेंस कितना होता है, उसके बावजूद भी एकदम क्लियरिटी कैसी आती है, शानदार आती है, तो वो है आपका सुपर विजुअल डिस्प्ले। आगे देखो, इसका उपयोग बड़ी मीटिंग और प्रेजेंटेशन अर्थात मल्टीमीडिया में किया जाता है, जो एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है, मतलब कहने का यह है, एक मैं लोकल भाषा में बात करूं कि प्रोजेक्टर छोटे चित्रों को, छोटे चित्रों को बड़े रूप में दर्शाता है, छोटे चित्रों को बड़े रूप में दर्शाता है, अर्थात ना दिखने योग्य चीज भी प्रोजेक्टर के विजुअल पर दिखाई देने लगती है, प्रोजेक्टर का जो विजुअल है उस पर दिखने लग जाएगी, अगर आपकी कोई छोटी चीज भी है ना तो प्रोजेक्टर पर क्या होगा, उसी को बड़ा करेगा, और जैसे ही बड़ा करेगा तो देखो एक चीज और पढ़ाई थी हमने थोड़ी देर पहले, आपको याद करो, प्रोजेक्टर में डेटा के पिक्सल्स का आकार बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, आकार आपका बढ़ जाएगा, जो आपने डेटा दिया है उस पर जो पिक्सल हैं, अब जैसे ये फाइल दिख रही है आपको, ये बोर्ड पर दिख रही है, यही रूम अगर लगभग 5000 बच्चे बैठने की स्थिति में होता, ये रूम आपका 5000 बच्चों के बैठने की स्थिति में होता आपका, और इसी को फिर मैं प्रोजेक्टर पर दिखाता इस पूरी दीवार पर एक ही स्लाइड बना के, तो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये बड़े रूप में दिखेगा नहीं दिखेगा, तो फाइल तो उतनी बड़ी थी लेकिन जो इसकी जो डेटा थे ना उनका पिक्सल क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो, स्कूल एवं सिनेमा घरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है आपका स्पीकर का आवाज, यह ध्वनि प्रसारित आउटपुट डिवाइस है, अर्थात कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि के रूप में परिवर्तित करती है, किसके रूप में, ध्वनि के रूप में, साउंड के रूप में चेंज करने के लिए किसका यूज होता है आपका, स्पीकर का प्रयोग होता है, ओके। आगे देखिए, फिर आता है आपका इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइसेस, भाई ऐसी डिवाइस भी तो है जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है, दोनों रूप में काम करती है, वो कौन कौन सी है, देखो कुछ ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती हैं, देखिए मॉडेम, यह डेटा प्राप्त बोले तो इनपुट करता है तथा भेजता भी है, कहने का मतलब देखो सबसे बड़ी बात है, मॉडेम का मतलब क्या होता है आपका, देखो
मॉडेम का अर्थ है आपका क्या हो गया भाई इसको। हाँ मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट, ठीक है। तो मॉडेम क्या करता है, इसमें इनपुट लाइन भी आती है और इसी से फिर क्या निकलती है आपकी आउटपुट लाइन। और आपने देखा होगा इंटरनेट भी तो इसी से चलता है भाई, इंटरनेट में इनपुट होता है मॉडेम तक और फिर उसमें से आउटपुट निकाल के कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। तो उसने देखो इनपुट लिया और उसने आउटपुट निकाल के दूसरे को दे दिया, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही उस पर काम करेगा, ठीक है। आगे देखो अगला टच स्क्रीन, ये देखो टच स्क्रीन ही तो है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे देखो मैंने लिखा दिस इज ए, तो देखो मैं लिख रहा हूं तो ये तो इनपुट हो गया इसके लिए और तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया तुम्हारे लिए आउटपुट हो गया। भाई मैं लिख रहा हूं तो मेरे लिए तो हो गया ये इनपुट का काम और आप देख रहे हो तो आपके लिए किसका काम कर रहा है, आउटपुट का। तो देखो यही लिखा हुआ है, ये आउटपुट डिवाइस की तरह स्क्रीन पर इमेज या आउटपुट दिखाता है, अर्थात इनपुट डिवाइस की तरह स्क्रीन पर इमेज के साथ इंसर्ट करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है देखो मैं यहां कुछ भी इंसर्ट कर दूं, मुझे जो मन करे। देखो मैंने ये कला संस्कृति की किताब को यहां इंसर्ट कर दिया, दिखा आपको। अब बताओ मैंने इनपुट किया, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो देखो जब मैंने इंसर्ट किया था, जब मैंने इंसर्ट किया था तब तो था ये इनपुट डिवाइस, तब तो थी आपकी क्या, आपकी इनपुट डिवाइस। और फिर जब हमने इसको आउटपुट में बदला, कैसे, जब हमें दिखने लगा तो ये आउटपुट हो गया। और कैसा आउटपुट है ये आपका, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, याद आया कुछ, ठीक है। आगे देखिए फिर आता है आपका, देखो हैंडसेट्स, इसमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों होते हैं। स्पीकर आउटपुट का काम करते हैं तथा माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, देखा होगा। देखो अगर यह कानों पे स्पीकर और लगे होते मेरे, तो मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे कानों में सुनाई देता और इससे मैं बोल सकता हूं। आपने देखा होगा ऐसा हैंडसेट होता है कि नहीं होता, लोगों पर कानों पर लगा होता है जिससे उसे सुनाई देता है और उसी के माइक से वो बोल के सामने वाले से बात भी कर लेता है। तो वो किसका वर्क करता है, आपका इनपुट आउटपुट दोनों ही प्रकार का वर्क करता है, ठीक है। आगे देखिए फैक्स मशीन, इसमें स्कैनर इनपुट का काम करता है तथा जो प्रिंटर है वो किसका काम करता है, आपका आउटपुट का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रिंटर भी ऐसे आते हैं जिनसे फोटोकॉपी निकल जाती है, याद है, सभी से तो नहीं निकलती है लेकिन कुछ से निकल जाती है। और जिनसे फोटोकॉपी निकल जाती है उन्होंने इनपुट लिया और प्रिंट निकाल के दे दिया, तो किसका प्रयोग किया उन्होंने, इनपुट और आउटपुट दोनों ही चीजों का यूज हो रहा है। तो देखिए फैक्स मशीन भी क्या आपकी इनपुट और आउटपुट है। देखो फोटोकॉपी मशीन स्टोरेज, देखो फोटोकॉपी मशीन आप अच्छी तरह जानते हैं, इससे इनपुट भी दिया जाता है इसमें और इससे जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों। फिर आता आपका देखो स्टोरेज डिवाइस, अब देखो अब स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है वो समझो आप लोग। पहले तो स्टोरेज डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो देखो स्टोरेज डिवाइस में सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब क्या है आपके, ये सब इनपुट आउटपुट दोनों पे काम करते हैं। कैसे, देखो सीडी में कोई डेटा है उसे आप कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ।
कंप्यूटर से वापस सीडी में कॉपी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऐसे देखो, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया और हार्ड डिस्क हो गई, इन सब में जो डाटा आपको दिख रहा है उसे आप रीटेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ले भी सकते हो और वापस दे भी सकते हो। अब बताओ, यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों ही पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहां तक की कहानी में अगर कोई परेशानी है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं कि यहां तक हमें दिक्कत है। देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैं हम उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जाना हमने, फिर हम लोगों ने देखो इनपुट डिवाइस पढ़ा और फिर हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। यहां तक के पूरे डेटा में अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बताएंगे, रिकॉल कराएंगे कि सर इसमें हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। जहां से आप लोगों ने एडमिशन लिया है, ऑनलाइन एडमिशन होता है, आप सबको पता है अच्छी तरह, क्लास के लिए, क्लास के जो एडमिशन का तरीका है वो ऑनलाइन है, ऐप पर जाओ, वहां से आप कोर्स को परचेज करो, तो वहां आपको ये सारी क्लासें विधिवत रूप से व्यवस्थित तरीके से दिखेंगी भी ऑनलाइन। जैसे कि गलती से कोई क्लास आपकी छूट गई है तो उसे पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा? ऑफलाइन क्लासरूम में तो क्या होता है कि निकल गया तो निकल गया, अब तो दोबारा जब मास्टर पढ़ाएगा तब समझ में आएगा। लेकिन हमारे पैटर्न पर क्या है कि जो क्लासें यहाँ हो रही हैं, ये सारी क्लासें एज ए रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपके ऐप में भी हैं, जहां से आप एडमिशन ले रहे हो तो वहां से आप पुरानी क्लासों को कवर कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आगे की कहानी को जानेंगे, ठीक है। 5 मिनट का विराम है, तुरंत चालू हो जाएगी क्लास, ठीक है। पानी ले, ठीक है, क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ेगा टॉपिक, तो 2 ही मिनट लगेंगे, मुश्किल से चालू हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्या हो गया? पानी?
बात करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में। इसको आप लिखना साथ के साथ, चीजें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको यहां पर, ठीक है। देखिए जी, नहीं पीडीएफ है ना, क्यों नहीं है, लेकिन इसका बेसिक तो समझाना पड़ेगा ना पहले। देखिए एमएस ऑफिस बोले तो नहीं लिखिएगा, क्यों नहीं लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैं लिखने का समय दूंगा आपको, पहले सीखना है फिर लिखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है एमएस ऑफिस, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पहला पॉइंट। इसका आविष्कार, इसका आविष्कार 4 अप्रैल 1975 को, 4 अप्रैल 1975 को विल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया। बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया। देखिए ये एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका आविष्कार 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 को हुआ। किस किसने किया था? आपका बिल गेट्स ने किया और पॉल एलन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में है। जगह का नाम है रेडमंड, सिटी का नाम है वाशिंगटन और देश का नाम है आपका अमेरिका, ठीक है। ये तो है इसकी बेसिक बात, ठीक है। और देखिए एमएस ऑफिस के लिए सर्वप्रथम घोषणा 1 अगस्त 1988 को बिल गेट्स के द्वारा कॉमडेक्स में की गई। अब आप कहेंगे कॉमडेक्स क्या है? तो देखो कॉमडेक्स का मतलब है आपका कंप्यूटर डीलर्स एग्जीबिशन। क्या है उसका नाम? कंप्यूटर डीलर्स एग्जीबिशन, जहां एक फेयर लगाया गया था उसमें उसने 1 अगस्त 1988 को क्या कर दी, घोषणा कर दी कि हम लोग भी क्या बनाएंगे, अब आपका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद की बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए एमएस ऑफिस का प्रथम वर्जन मैक ओएस के नाम से 1989 में बनाया गया। अब देखो 1988 में घोषणा की और तुरंत एक साल में क्या बना दिया आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ध्यान रखने की बात है
मैक ओएस का मतलब है आपका मैकिंटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या था आपका पता है? एप्पल कंपनी के यूजर्स के लिए था, एप्पल कंपनी के यूजर्स के लिए था। किसके लिए बनाया था? केवल एप्पल कंपनी के यूजर्स के लिए। क्योंकि देखिए, जब हम पहली बार किसी प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं तो हम नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पर लागू करते हैं कि अगर सक्सेस हो गया तो इसको बढ़ा देंगे, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देंगे। जैसे ही इसको पता चला कि इनका जो प्रोग्राम है वो सफल हो गया, सफल हुआ तो आदमी आगे बढ़ेगा। मैं उतारने के लिए आपको वक्त दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, सीखिए पहले। फिर तुरंत क्या होता है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सन 1990 में प्रथम संस्करण एमएस ऑफिस 1.0 का आविष्कार हुआ। मैकिंटॉस किसके लिए था आपका? एप्पल कंपनी के लिए। और विंडोज के लिए कौन सा बनाया गया था आपका? एमएस ऑफिस 1.0 को बनाया गया। एमएस ऑफिस 1.0 को बनाया गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। और जितने भी सिस्टम यूज होते हैं ज्यादातर कौन से होते हैं आपके? विंडोज वर्जन वाले, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अभी लेटेस्ट में, तो एमएस ऑफिस का सबसे नवीनतम वर्जन, सबसे नवीनतम वर्जन एमएस ऑफिस 2021 है। जिसका आविष्कार 5 अक्टूबर 2021 को हुआ। कब लॉन्च हुआ था ये नवीनतम आपका? 5 अक्टूबर 2021। इसके अलावा नया अभी कोई बना नहीं है, ठीक है। इससे पहले अब हम जनरल बिहेवियर में जो यूज करते हैं मैं उनके नाम लिखता हूं, अन्य प्रकार से जिन्हें हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिएगा एमएस ऑफिस एक्सपी है, ठीक है, एमएस ऑफिस 2000 है, ठीक है, एमएस ऑफिस 2003 है, एमएस ऑफिस 2007 है, एमएस ऑफिस 2010 है, ठीक है, एमएस ऑफिस 2013 है, एमएस ऑफिस 2016 है, एमएस ऑफिस 2019 है, और एमएस ऑफिस 2021 है। अब जो काम की बात है वो ध्यान रखना है आपको। काम की बात ये है यहां पर कि सर्वाधिक लोकप्रिय वर्जन, सर्वाधिक लोकप्रिय वर्जन 2010 वह 2013 है। सबसे लोकप्रिय जो है इनमें से वो 2010 और 2013 है, जो सबसे लोकप्रिय माना जाता है वो आपका 2010 और 2013 है, जो आपका इनमें से सबसे लोकप्रिय है, जिसकी सबसे ज्यादा चलन है वर्तमान में, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो है आपका 2010 और 2013। अब आप इसे उतारिए पहले एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है।
ठीक है, हो गया ठीक। अब देखिए, एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण में केवल तीन प्रकार के प्रोग्राम वर्णित हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से प्रोग्राम वर्णित हैं? देखिए, नंबर पहला था आपका एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है। ये आपका क्या था? ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम था। दूसरा था आपका एमएस एक्सेल, ये आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। ठीक है, और तीसरा था आपका एमएस पावर पॉइंट, ये आपका प्रेजेंटेशन, ये आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम था। ये तीन प्रोग्रामों का वर्णन आपके पहले वर्जन एमएस ऑफिस 1.0 में दिया गया था, और इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल इन्हीं के बारे में पढ़ना है जी। ठीक है, अब देखो, अगर किसी की आपको बायोग्राफी बनानी है, किसी की बायोग्राफी तैयार करनी है, तो आप एमएस वर्ड में ही करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार का ब्रोशर बना रहे हो, या आप किसी प्रकार का रिज्यूम तैयार कर रहे हो, या आप कोई लेटर लिख रहे हो, या आप किसी प्रकार का डेटा टाइप कर रहे हो, तो ये सारे कार्य किसके साथ कहाँ होते हैं? आपके एमएस वर्ड में। एमएस एक्सेल की बात करें तो ये आपका एक प्रकार से लेखा जोखा या गणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग होता है। आप कोई लेखा जोखा रखना चाहते हो, क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होता है, इसमें जो डेटा होता है वो एक सीट के फॉर्मेट में होता है, सीट के फॉर्मेट में। और ये प्रेजेंटेशन, ये है प्रस्तुतिकरण करता है। कहने का मतलब है, प्रस्तुतिकरण के लिए क्या बनाई जाती है? आपकी स्लाइड बनाई जाती है। स्लाइड बनाकर किसी चीज को दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें हम लोग एज ए बायोग्राफी, ब्रोशर, रिज्यूम, लेटर या डेटा या किसी को एप्लीकेशन लिखना है, उनके लिए तो हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी प्रकार का लेखा जोखा रखना है, गणितीय क्रियाओं को देखना है, डेटाज की वैल्यूज को समझना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम सीट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें स्लाइड बनाकर अगर प्रेजेंटेशन देना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पावर पॉइंट का। इसको भी आप नोट करिए फटाफट से।
अब देखिए, एमएस ऑफिस को स्टार्ट करने का तरीका। भाई एमएस ऑफिस पर हम जाएंगे कैसे? किसी भी कंप्यूटर में हमें अगर एमएस ऑफिस तक जाना है तो हम लोग जाएंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बटन के बाद हम लोग ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम पर जाकर हम लोग एमएस ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। एमएस ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास प्रोग्राम खुल जाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। हालांकि खुलने को तो बहुत सारे खुलेंगे, पावर पॉइंट है, फिर पब्लिश खुलेगा, पावर पेंट खुलेगा, बहुत सारी चीजें खुलेंगी, लेकिन हमको उनसे लेना देना नहीं है। अब आप इनमें से जिसको भी ओपन करेंगे, तीनों प्रोग्राम में से जिस पर क्लिक किया जाता है, वही ओपन होता है और हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट टाइप दिखता है। जैसे ही आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कर देंगे, चाहे आप एमएस वर्ड पर कर दीजिए, एक्सेल पर कर दीजिए या पावर पॉइंट पर, तो आपको जो आपके सामने प्रदर्शित होगा वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कि एक खाली डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, एकदम ब्लैंक दिखेगा, जिस पर कोई और चीज नहीं होगी, केवल खाली दिखेगा। अब आपको समझना क्या है, इसको एक बार नोट करिए, फिर अब अगले वाले पर हम थोड़ा सा न्यू चीज देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगर पूछा जाए कि एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी होता है, लेकिन इसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग
सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये याद रखना है। ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये तीनों अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये तीनों जिस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं वो कौन सा है? आपका एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इन्हें इंस्टॉल करके रन किया जाता है, पहले इनको क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है सिस्टम में। एमएस ऑफिस को पहले क्या करते हैं हम लोग? इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करते हैं? हम इसे रन करते हैं इसीलिए। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब क्या किए जाते हैं आपके? इंस्टॉल किए जाते हैं, या तो डाउनलोड किया जाता है पहले उसके बाद इंस्टॉल होता है, या डायरेक्टली हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हम उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो कहानी थी अब तक की जितनी भी कहानी थी ये थी आपकी एमएस ऑफिस के बारे में। ये तो केवल ये बताने के लिए थी कि एमएस ऑफिस का बेसिक क्या होता है, एमएस ऑफिस में क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या चीजें हैं, कब कब आया, किन किन चीजों के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, ये था एमएस ऑफिस के बारे में। जैसे हम शुरू से बताएं कि एमएस ऑफिस जो है जिसका नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या होता है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आविष्कार कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 को। किसने किया था? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। मुख्यालय कहां पर है आपका? रेडमंड, वाशिंगटन या अमेरिका। रेडमंड जगह का नाम है, वाशिंगटन शहर का नाम है, अमेरिका देश का नाम है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए घोषणा कब की गई थी? 1 अगस्त 1988 को कॉमडेक्स में की गई थी, कंप्यूटर डीलर्स एग्जीबिशन में। फिर 1989 में पहली बार मैक ओएस नाम से पहला वर्जन आपका एमएस ऑफिस का तैयार किया गया था, जिसका पूरा नाम था आपका मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था आपका मैक ओएस के नाम से। उसके जस्ट बाद 1990 की बात करें तो 1990 में आपका पहली बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जिसका नाम था आपका एमएस ऑफिस 1.0 नाम था। ठीक है, नवीनतम संस्करण की बात करें तो यह आपका एमएस ऑफिस 2021 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रथम जो वर्जन था उसमें तीन ही प्रोग्राम थे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। एमएस वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, और पावर पॉइंट क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। इनके बारे में जाना, कल जब हमारी क्लास प्रारंभ होगी तो हम लोग एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और एमएस वर्ड को विस्तृत चर्चा के रूप में जानेंगे। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड लगभग आपका 8-10 दिन लेगा, ऐसे एमएस एक्सेल, फिर एमएस पावर पॉइंट, फिर इंटरनेट कार्यप्रणाली और कंप्यूटर के बेसिक जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे और आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। पिछली पुरानी क्लासें आप लोग ऐप में जाके देखिए, उनके नोट्स तैयार कीजिए, चीजों को देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, अभी आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी।